हाय देयर, दिस इज़ अपूर्वा और स्मैकटेक के नए वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो MIA1 के बारे में है और अगर आपने MIA1 को दिसंबर सिक्योरिटी पैच के ऊपर ओरियो में अपडेट कर लिया है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है बग्स की वजह से, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गूगल ने MIA1 के लिए जनवरी का सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी दे दिया है। आप मेरे स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख सकते हो, 89 MB का फाइल है। आप मेरे फ़ोन में भी यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो फ़ोन है ऑलरेडी ओरियो में अपडेटेड है और ये जो सिक्योरिटी पैच है ये दिसंबर का नहीं है, ये 1 जनवरी का है। तो अगर अभी तक आपको OTA अपडेट नहीं मिला है, जनवरी का सिक्योरिटी पैच अगर नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आपको OTA अपडेट पाने का एक ट्रिक मैं यहाँ पर बताऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगर अभी तक आपको OTA अपडेट जो कि जनवरी का सिक्योरिटी पैच है अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप इस तरह से उसको पा सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाना है। उसके बाद पहला जो ऑप्शन है ऐप इन्फो, आपको ऐप इन्फो में जाना है। उसके बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट में आपको जाने के बाद शो सिस्टम में क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल सर्विस फ्रेमवर्क को खोज के निकालना है, तो आप नीचे में स्क्रॉल डाउन कर जाइए। अल्फ़ाबेटिकली आपको यहाँ पर जी खोज के निकालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल सर्विस फ्रेमवर्क मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे मिल गया है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क। यहाँ पर जाने के बाद आपको, आप फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर गूगल सर्विस फ्रेमवर्क, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर कैच करना है, कैच डाटा आप क्लियर कर दो। उसके बाद आपको क्लियर डाटा करना है, यहाँ पर ओके कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद आप बैक करके यहाँ पर इसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए, तो यहाँ पर जो ऐप है वो फोर्सफुली स्टॉप हो जाएगा। ऐसा आप एक दो बार और कर सकते हैं। ये करने के बाद आप जैसे फिर से सेटिंग्स में जाओगे और वहाँ पर आप अबाउट फोन में जाके सिस्टम अपडेट में जाओगे, तो आपको जो है OTA अपडेट जनवरी का सिक्योरिटी पैच जो है वो आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, 89 MB का फाइल है। अगर सिस्टम में जाने के बाद और फिर सिस्टम अपडेट में जाने के बाद फिर भी आपको जो है OTA नहीं मिल रहा है, तो आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना, उसके बाद आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपके MIA1 डिवाइस में ओरियो की वजह से जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आप देख पाओगे कि सॉल्व हो चुकी हैं। जैसा कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में जो HD कैपेबल SIM1 इज़ HD कैपेबल, वो जो नोटिफिकेशन था वो नहीं जा रहा था। ये प्रॉब्लम सभी को आ रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन बार से वो SIM1 इज़ HD कैपेबल जो नोटिफिकेशन है वो हट चुका है। और जो HD का लोगो था वो आपने देखा होगा कि ओरियो में जो दिसंबर सिक्योरिटी पैच में वो लेफ्ट हैंड साइड में था, वो अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ चुका है, जो कि नो गार्ड में पहले हुआ करता था। और यहाँ पर दूसरा जो प्रॉब्लम सभी को फेस कर रहे थे सभी, जो कि फिंगरप्रिंट जेस्चर था, जिससे कि नोटिफिकेशन पैनल ऊपर नीचे होता था, वो काम नहीं कर रहा था ओरियो में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो फिंगरप्रिंट जेस्चर है काम कर रहा है और नोटिफिकेशन पैनल जो है ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीसरी जो प्रॉब्लम निकल के आती है, जो ब्लूटूथ की वजह से जो बैटरी ड्रेनिंग बहुत जल्दी हो रही थी। मैंने सिक्योरिटी पैच जनवरी का इंस्टॉल करने के बाद मैं ब्लूटूथ यूज़ करके मैंने देखा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम वो जो है वो चली गई है। अलग से भी जो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी अपने आप, और जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम हो चुकी थी, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। बैटरी बैकअप यहाँ पर जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ पर तीसरी जो एक और प्रॉब्लम सभी यहाँ पर फेस कर रहे थे, यहाँ पर जो सेटिंग्स है आइकन का, जो सेटिंग्स जैसे आप जाओगे यहाँ पर आइकन का जो शेप आप चेंज कर सकते हो ओरियो में, यहाँ पर ये ऑप्शन सभी को नहीं मिला था यहाँ पर। लेकिन जैसे आप जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट कर लोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन का शेप यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। चेंज आइकन शेप में आपको जाना है, यहाँ पर सर्कल, टीयर ड्रॉप और स्क्वायर, बहुत सारे ऑप्शन के बीच में आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुतों को नहीं मिला था, जैसा कि मुझे ही नहीं मिला था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट किया और यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मिल चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो डायलर ऐप की प्रॉब्लम थी, जो डायलर ऐप में जैसे आप कॉल करने जाते थे तो बहुत ज़्यादा हैंग होता था, कम से कम 3-4 सेकेंड का पॉज लेने के बाद आप कॉल डायल कर पाते थे। यहाँ पर आप जैसे ही जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट कर लोगे, यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो डायलर ऐप है वो बहुत ही क्विक और स्नैपी हो जाएगा,
आपको अलग से जो ट्रिक मैंने एक वीडियो में बताई थी कि आपको माई जियो एप्लीकेशन में जाके उसको फ़ोन का जो परमिशन है उसको आपको ऑफ करना है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन आप देख सकते हो, कैमरा एप्लीकेशन जो थोड़ा सा हैंग हो रहा था ओपन होने में, और बहुतों को एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जब 4K क्वालिटी में वो वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करने जाते थे तो हैंग करता था, वो अभी चला गया है। कैमरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर बहुत ही स्नैपी दिखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और पसंद तो ज़रूर आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको MI A1 के बारे में इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही।